हाय गाइस, वेलकम टू फिल्म इंडो। आज ही राखी सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफ़ी एलिगेशन लगाए। न्यू कैरेक्टर इस केस में आते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आज दो नए लोगों के साथ राखी सावंत आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। इसी के बाद इसके सारे सवालों का जवाब देने हम आ चुके हैं आदिल के पास। तो बात करते हैं आदिल से कि जितने भी राखी ने एलिगेशन लगाए हैं आज के दिन, जो न्यू एलिगेशन है उसमें क्या कहना चाहेंगे। तो अगर आज ही राखी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, सबसे पहली बात उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी कोई ना कोई फिल्म देखी होगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है, या मैंने पूरा देखा है, बट हाँ क्या कहूँ, किस वजह से क्या रीज़न था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि जो मैंने मुद्दे रखे हैं, जो मैंने बातें रखी है उसके बारे में तो सोचा नहीं, मुझे लगे खड़ा कर दिया। क्यों राखी फिर उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या, जो छोटे छोटे लोगों को आज वो ला के बिठा रही है अगल बगल में, कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे वो करो, ये करो, क्या जरूरत है। आज वो दो नए कैरेक्टर ले गया ये साथ साथ में। एक कहते हैं कि एक शहबाज करके जो है वो आपके पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं मैसूर के, और शैली जो है उनका पहले बचपन के दोस्त थे, और शैली जो है उनका पहले बहन बोल रहे हैं। उनके बारे में थोड़ा जैसे हाल ही में मैंने कहा है, मैसूर एक छोटी जगह, तो वहाँ उतना बैठना छोटी के लोग नहीं जानते थी। तो ये जो शाहबाज खान है उनको मैं कोई पहचान से नहीं जानता, जान पहचान है। सबसे पहले अगर ये मेरे खास दोस्त होते तो आज ये जो किए दुख दर्द के टाइम मेरे साथ खड़े उनके साथ है। नंबर टू जो भी ओरिजिनल हो, शाहबाज खान ने जो मेरे पे आरोप लगाई है, जैसे कि आदिल फ्रॉड है, चोर है, उसके ऊपर बारह बारह ऐसे बोलते हो, तो आप कौन होना चाहिए, आप कोर्ट हो, आप जज हो, जो 12 केसेस लगे जो आप क्लेम कर रहे हो, तो 12 लोग हैं उसके केसेस हैं, उनका मेरा है, आप कौन होना चाहिए, क्या आप जस्टिस हो। जब मेरे साथ अन्याय हुआ था, जब मैं जाके लिटरली जेल में बैठा था, तब आप एक सोशल वर्कर के तरह दिखाते हो, उनकी ना लिस्ट दूंगा, लिस्ट जो क्या करते हैं, बिजनेस कहाँ से करते हैं, दिल्ली में कहाँ से गाड़ी लेते हैं, मुंबई में क्या किया है, लिस्ट। अभी इंटरव्यू कर रहा था, कहीं बैठ के इंटरव्यू कर रहा था, तब आते 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 हिस्ट्री आ गई विथ प्रूफ, विथ ये कर वो कर। अभी नहीं, एक ही चीज़ पर बात करूँगा, जैसे पूरे इंटरव्यू में बात करूँगा। अभी उनको आके लाइम लाइट पकड़ना है राखी के साथ बैठ के, तो पता चलेगा कि राखी कितनी अच्छी लाइम लाइट। हाँ, इंट्रोडक्शन करता हूँ, शाबाश। ये डेक्कन हेरल्ड न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, शाबाश बहुत अच्छे हैं जो न्यूज़पेपर बोलते हैं, मैं पढ़ता हूँ कितनी इनकी अच्छाई है। MLC का नंबर प्लेट लगा के उनकी एक गाड़ी चोरी हुई थी हाल ही में, जब मैं अंदर था उस टाइम का आर्टिकल छपा है, लेटेस्ट आर्टिकल। हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बैंगलोर में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, एक गैंग को चलाने वाला आदमी है शाहबाज खान। पेपर पढ़ रहा हूँ, लिंक शेयर करूँगा, आप भी गौर से पढ़ो, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं बोल रहा। तो शाहबाज खान इसमें उनको जेल में, आज भी आज की तारीख में वो केस चल रहा है, वो बेल पे बाहर। कितने का केस है, 14-15 लाख। जो बैठ के बोलते हैं मैंने 50 लाख लिए थे आदमी, अब 15-15 लाख गाड़ियाँ चोरी कर रहा, गाड़ी जैसे राखी मुझे बोलते स्टैंप लगा के बेचता, ये बेचते नहीं है, ये चोरी का इंजाम है। डेक्कन हेरल्ड की बात कर रहा, जो डेक्कन हेरल्ड कह रहा है अब देख सकते हो शाहबाज खान का इस्तेमाल देखा। शाहबाज खान फ्रॉम मैसूर, एक केस है। नंबर टू और बंद, शरीर के मेरे संबंध वही एक ही रीजन है, जब उनके बारे में मुझे प्रॉपरली एज ए कस्टमर वो जो बोल रही थी 20 लाख ज़्यादा मैंने गाड़ी ली, मैंने 50 लाख ज़्यादा ली होगी, क्या बेवकूफ़ जो मेरी शोरूम में की गाड़ी ली, आपको अक्ल नहीं थी, आप तो महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जयपुर में, दुनिया भर में बिजनेस चलाने को क्लेम करते हो, आप 20 लाख ज़्यादा पे गाड़ी ले ली, जिस गाड़ी
जिस गाड़ी का मुझे पेमेंट आया है नहीं आया है वो क्या करते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें अभी रखूँगा अगर वो मूवी नेक्स्ट बताती है, या मैं अब रखूँगा बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में। एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ वो क्या उनका बिजनेस है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ पेपर नाउ टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई पेपर ऐसी न्यूज़ नहीं है आप लोग ठीक से देखा क्या हेडलाइन पर क्या लिखा है, इनका एक गैंग है एक्सट्रॉशन मर्डर सुपारी जो जैसे देते हैं ना सुपारी देना मारना तोड़ना एक्सट्रॉशन, ये इनका बिजनेस पेशा नाम लिखा है इसका अब्सकॉन्ड है, ये केस में अब्सकॉन्ड थी उसके बाद जाके इन्होंने बेल लिया है। कि कितनी सच्चाई मैं तो मेरी दिल से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस सिर्फ कौन कौन उनके देखो कौन कौन इन केस में थे, 7 लोग कौन कौन हैं, 6 लोग काम करें इसमें अभी भी कौन ये सारा अभी भी कौन जेल में है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं उनके बारे में ये इनका बिजनेस। इसके अलावा उनके और लैंड में क्या बिजनेस है मैं पूरे एविडेंस बात करूँगा अगर वो नेक्स्ट बात करते हैं तो शेली से रिलेटेड था मुझे ज़रूरत नहीं है। शेली एक सीरियल किलर है और मुझे आज की डेट में कुछ भी हो सकता है, आज की डेट में कह रहा हूँ मैं आग से खेल रहा हूँ, मुझे कोई मारवा सकता है कोई मुझे मार सकता है, इसका रीज़न वो ही लोग हो सकते हैं कि शेली एक भारतीय है। मेरे सोर्सेस के अनुसार राखी ने उनको फोन भी देके रखी है, ऑलरेडी 1 हफ्ते से मुझे ढूंढ रहे हैं मैसूर में स्पॉट करने के लिए कि मेरा कुछ किया जाए। नेक्स्ट और एक वीडियो रहने वाली है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से मेरी सिफारिश दे रखी है चलिए और उन्होंने ली और वेट कर रहे हैं मुझे कुछ करना। ये अभी ये बात की एविडेंस में क्या होगा, होशियारा पुलिस स्टेशन ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट कैसे करके रख दी है और मैसूर में मेरे और भी है दुश्मन इनके बारे में भी मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट करके रखे कि अगर मुझे ध्यान का धोखा हो जाए तो इन लोगों से ही होना चाहिए और उनके एविडेंस भी मैंने ऑलरेडी दिए हैं। छिली और राखी जी जो भी ये भी एविडेंस है मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं पुलिस स्टेशन कि मेरे पे झूठ झूठ केसेस ये कर सकते हैं कल के दिन में, बिकॉज मुझे कुछ भी मेरे जान का अगर मुझे एक स्क्रैच भी आता है ना और उनके बारे में प्रॉपर ले लिखा है ये सीरियल किलर तो पैसे लेते हैं काम करके देते हैं। तो जो उनके बगल में जो बैठ के आज राखी के लिए जस्टिस की बात कर रहे थे इनका ये पेशा है, राइट साइड बैठने वाले का ये पेशा है। ओके सो जैसे कि ये बता रहे थे शबाज की आपके ऊपर 8 केस चल रहे हैं गाड़ी चोरी करने का और फ्रॉड केस करने का, लोग हम आज मतलब लाइक डॉक्यूमेंट तो शो कर रहे थे पर आपने देखा है नहीं देखा तो मेरे पास कॉपी है नहीं कॉपी भी नहीं है उन्होंने चोरी का बिजनेस करते हैं मेरे पास एविडेंस है क्या मेरे पास एविडेंस है क्या मैंने आपको पढ़वाया क्या मैंने आपको दिखवाया क्या मैं आपको लिंक दूँ इसके रिलेटेड जो जो टीवी ने कवर किया था वीडियोस वो भी मैं आपको पूरे शेयर करा किस मुद्दे में। इसके अलावा मेरे पास बहुत मुद्दे हैं उनके बहुत सारे एसोसिएट्स हैं वो आना भी चाह रहे हैं मेरे पास नंबर कहीं कहीं से ढूंढ के मक्खियों की तरह फोन कर रहे हैं भाई ये भाई वो भाई हमारा ये है हमारा वो है बोला मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं एक मुद्दा रखो एक मुद्दा नेक्स्ट अगर मुद्दा बढ़ा करते हैं तो प्रॉपरली मुझे पता है उनकी चीज़ों को रख के दिखाने के लिए कि वो क्या करते हैं उनका पेशा क्या है। तो वो ओपनली चैलेंज कर रहे थे कि अपना कोई भी एक मीडिया का लिंक लाइक कॉन्टैक्ट नंबर डालिए आपको मैसूर से इतने फ़ोन आएंगे आप उनके बारे में इतने रिकवरी के फ़ोन आएंगे इतने लाइक लोग इतने पैसे मांगने वाले हैं इस वजह से ऐसा कुछ उन्होंने भी कह रहे तो अभी लड़ाई क्या उनसे लड़ेंगे जो मैसूर और शाबाज सोपर MP MLA CM जो भी बोलते हैं अपने आपको उनके लड़े या मेरी और राखी के लड़े राखी के साथ उनका जुड़ने का रिजल्ट क्या ठीक है राखी के साथ जुड़ रहे हैं मेरे मुद्दे पर लड़ना चलो मैसूर वाले इनको जुड़ के ये कुछ प्रूफ करके देखो कि उनकी ऑलरेडी शादी नहीं हुई उस टॉपिक पे भी आते हैं हम पर पूछने के बाद यही पता चला था कि रास्ते ही मिलवाया था राखी और राखी और शबाज को मैं शाबाज को ठीक से नहीं जानता मैं राखी को कौन से मिलूँ मैं शाबाज को ठीक से नहीं जानता कौन है ऑडियो नहीं बैटरी गए क्या तो Thank you.
हेलो। सो ड्यू टू सम लाइक टेक्निकल थिंग इसलिए पॉज किया गया है, तो बैक टू कंटिन्यू हम चेक करते हैं, फिर से बात करते हैं कि लाइक मैं आदिल आपसे ये पूछ रहा था कि राखी से मिलवाने वाले आप ही थे शहबाज को, जैसे आज शहबाज ने मैं शहबाज को ठीक से नहीं जानता, मैं राखी से कहाँ से मिलाऊंगा। वो क्योंकि ऐसे क्लेम कर रहे थे कि अब JW में आप दोनों साथ में थे, और जब क्लेम करने के लिए मैं ये क्लेम कर दूंगा राखी का नया रूमर्ड बॉयफ्रेंड है शहबाज खान, क्या आप प्रूफ कर सकते हो? ओके, क्लेम और ब्लेम पे माते मत करो, राखी नंबर वन ठग है, झूठी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्लेम के लिए मैं ये क्लेम कर दूंगा, आपके पास एविडेंस है? चलो JW में मैंने मिलाया था, एविडेंस है, प्रूफ है आपके पास कुछ भी? मैं उस इंसान को ठीक से नहीं जानता, मैं कहाँ ही जाके मेरी बीवी को उससे मिलाऊंगा। तो ये बात तो रही शहबाज की, एक और बात करते हैं शैली, जो कि एक नई कैरेक्टर नज़र आई है इस लाइक कंट्रोवर्सी में। तो शैली ने ओपनली चैलेंज किया, पहली बात तो आपको कि उनके साथ फेस ऑफ करने के लिए, तो किस में यही आर्गुमेंट में कि आप कितने फ्रॉड हो, वो पूरा क्लेम कर रही है। वो कौन है मैं उनके साथ बैठ के आर्गुमेंट करूं? सीरियल किलर क्या आप निवोता देना चाहते हो? मैं जाके उनके सामने मर जाऊं? उन्होंने ये कहा कि है ना लाइक जब आदिल को गाड़ी बेचनी थी, तो जब मेरे बहन 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 किया करते थे, जब लाइक फिर उसके बाद दोस्त जब भी कुछ भी काम होता है तो दोस्त बहन ऐसे पीछे पड़ जाया करते थे। किसका कहना है? शैली का, जब आपने उनको गाड़ी देखे। आप ये बात करके करके ना क्यों बेकार में हीरो हीरोइन बनाना चाहते हो हमारे मुद्दे में? राखी का मुद्दा ही छुप जाएगा ना ये सब करके। राखी चाहती भी ये है, एंड ऑफ द डे मैं किसी को बहन नहीं बनाता, किसी को मैं भाई भी नहीं बनाता, मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। अश्लील वीडियोस बनाने का उनका भी कोई अच्छा पेशा है, तो थोड़े वीडियोस रहेंगे लाके बात कर रहे हैं, तो मेरे पास भी कुछ है तो मैं भी रख के बात करूंगा ही करूंगा। अच्छा, उन्होंने आज एक और चीज़ दिखाई कि कुछ स्क्रीनशॉट दिखाए, उन्होंने कुछ फोटोज़ दिखाई जिसमें लाइक आप कुछ शूट कर रहे हो और यू बोथ वेयर इन अ नेकेड पोजीशन, आप और राखी। तो शैली ने समझ में नहीं आया क्या? आप दोनों लाइक नेकेड पोजीशन में थे, लाइक योर इंटीमेशन पोजीशन में थे, वीडियो शूट कर। किसने दिखाया आपको? शैली ने। कहाँ है मुझे दिखाओ? वो वीडियो में है, मैं आपको शायद इंटरव्यू के बाद दिखाता हूँ। दिखाएंगे तो मैं बात कर सकूँगा, बिकॉज वो जो भी बेसलेस चीज़ें कहती है, मैं कहाँ बेसलेस चीज़ों के बारे में बात करूँ? देखो, आज जो भी आके राखी के साथ जुड़ते हैं, ना तो उनके पास काम है, ना कि उनके पास रोज़दारी है, ना कि उनके पास कुछ है। आके जुड़ के उनको यही करना, ना राखी खुद के पास काम है करने लायक, मेरे पास करने लायक बहुत कुछ है, मुझे ऐसी चीज़ों में पढ़ना नहीं है। मैं तो 10 बार बोल चुका हूँ मीडिया ट्रेल मुझे नहीं चाहिए, और हालांकि मैं 8 दिन से आ भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं सोचा कि मैं ही स्टॉप कर दूंगा इसको। तो उनका तो अभी उनका ब्रेड बटर मेरे से ही चल रहा है, राखी का मेरे टॉपिक। ओपनली चैलेंज भी किया शैली ने कि जितनी बात करनी है तो कर लो, 1-2 दिन हम मुंबई में ही है, जो भी आप ब्लेम लगा सकते हो ब्लेम लगाओ, हम जवाब देने के लिए रेडी है। चलो, आपको लगता है मुझे सुपारी किलरों से जाके मिलना चाहिए? मैं रहता तो नहीं मिलता, तो डेफिनेटली मैं भी नहीं मिलूंगा। फिर भी आप शायद आप रिस्क लेने रेडी हो तो चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। जो ऑलरेडी मेरी सेट करके ढूंढ रहे हैं मुझे, जो जैसे करने के लिए, जैसे कि आप उनके बारे में मैंने ऑलरेडी अप्रोच भी किया है पुलिस स्टेशन में, दोबारा भी हमने जाके अभी अप्रोच किया है कि क्या ऐसा होने वाला है, ये चीज़ें सब कुछ हमने जाके बताया है उनके बारे में, जो भी है हम लीगली एक्शन लेंगे अभी। अच्छा, जैसे कि आप शैली को पहले से जानते हो, मैसूर के टाइम से? पहले से जानता नहीं हूँ, सिर्फ क्लाइंट है, मेरे पास आई हैं, गाड़ी ली है। तो क्या उनके बारे में कुछ और जानते हो, बैकग्राउंड उनका? बहुत कुछ जानता हूँ मैं, हिस्ट्री जानता हूँ मैं उनकी, लेकिन इसके लिए तो मैं क्यों बताऊँ? जब उनको एक कार्ड रखने दो ना, मेरे पास बहुत सारे कार्ड। अभी देखो, जैसे राखी कुछ बोलती है तभी मैं एविडेंस रख के बात करता हूँ, मैं लेम पागल थोड़ी दिखना चाहूँगा कि मैं दिखा के बात करने के लिए। तो बेसिकली शैली किस तरीके की इंसान है मैसूर में? मैंने एविडेंटली आपको चीज़ें देखी, लेडी डॉन कह सकते हैं, लेडी डॉन। मैसूर में भी नहीं, उनके बहुत सारे चक्कर हैं बहुत जगह में, लेकिन हाँ काम यही लेते हैं, वो टाइम पे लेते हैं, कहीं आपको कहीं हाथ तुड़वाना, पैर तुड़वाना, जो भी है तो करते हैं। तो वक्त आने पे आप शो भी कर दोगे विद एविडेंस विद प्रूफ? 100%, अगर वो कुछ फिर से वो कुछ बात करते हैं तो मुझे बात करना ही पड़ेगा ना। तो ये तो हुई शैली और शहबाज की बात, जो कि दो नए कैरेक्टर आए थे इस बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, जो कि राखी है। राखी आज एक सबसे बड़ा एलिगेशन लगाते हुए, और एक सवाल उनको पूछ के आओ, नेक्स्ट कहीं मिले तो, नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जो गाड़ी आप बोल रहे हो क्लेम कर रहे हो 20 लाख रुपए, पेमेंट कैसे किया था, कौन से अकाउंट में किया था, कब किया था? आज भी मेरे बैलेंस शीट में बैलेंस पेमेंट आना है मुझे। जब भी मैं पेमेंट लेने गया था मुझे भी धमकियाँ मिल गई थी, बड़े बड़े धमकियाँ मेरे ऊपर। कोई विजयनगर में एक झूठा केस भी कर दिया था कि धमकी दे रहा है, वो दे रहा है, ये भी बताया था, झूठा केस भी कर दिया। आज भी मुझे वो गाड़ी का
बहुत बड़ी अमाउंट आना बाकी है। लेकिन शैली ने तो ये बताया था कि जो उन्होंने अपने उन्होंने केस किया था आपके ऊपर विजयनगर में, मेरा ही सवाल था, तो उन्होंने ये इस बारे में बताया कि आप वीडियो शूट किया करते थे जैसे कोई पार्टी करना, पार्टी में हम ये वीडियो का कोई केस नहीं हुआ था, उन्होंने सिर्फ एक केस किया था। मेरे पास है कॉपी, है कॉपी है मेरे पास, थोड़ा जल्दी बोलते तो गाड़ी में है कॉपी, हर चीज़ की कॉपी है मेरे पास। उन्होंने ये कहा था कि आदिल धमका रहा है, डरा रहा है करके। हाँ, अभी कर भी क्या सकते हैं हम, हमारा लाखों रुपए खा के बैठे हैं, जाके पूछेंगे तो बोलेंगे हमको ही बोल रहे हैं, उठा देंगे, मरवा देंगे, लुटवा देंगे, तो हम क्या ही पूछ सकते हैं। तो कुछ उन्होंने बोला ऐसी व्हाट्सएप पे फोटो भेजी थी कि किसी का हाथ पैर टूटा हुआ था, वो फोटो भेज के मुझे डरा रहा था आदिल, शैली ने ऐसे कहा मेरे बारे में। ये तुमने ठीक से पढ़ो ना, मैं सुपारी के लिए मेरा तो कहीं नाम नहीं है, साथ में मैं एक हूँ क्या जो ये सब करने के लिए। उन्होंने ऐसा तो पढ़ो ठीक से, कहीं लिखा है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो पढ़ा ये। बोलने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं ना, बोलने के लिए तो क्या है, बोलने के लिए तो सब चीज़ें भी कह सकती है। ओके, सो और मुझे जो पेमेंट आना मैं बहुत जल्द जवाब भी दूंगा, क्योंकि वो गाड़ी का एक्चुअली ओनर से भी कुछ मेरे पंगे हो गए हैं, तो वो क्लेम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, छोड़ो वो वाइस वर्सा सॉर्टेड हो जाएगा, वो मेरा कुछ नहीं है। ओके, सो फाइनेंशियल लाइक पेमेंट की बात है तो मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, सवाल याद आया कि शबाज ने ये कहा था कि 2 करोड़ रुपए आपके निकलते हैं राखी के ऊपर, मतलब राखी के निकलते हैं आपके ऊपर 2 करोड़ रुपए। अयो, राखी 1.5 कह रही है, ये 2 कह रहे हैं, किसको पकड़े हैं, 2 को पकड़े हैं? और उनके खुद के भी पैसे निकलते हैं आपके पास, कुछ एविडेंस है? कहीं रात में दिया था क्या, अंधेरे में पॉलिथिन बैग में दिया था क्या, तो कैसे दिया था? मैंने तो उनको ये कहा दिया था क्या, 95 लाख रुपीज आपके निकलते थे जिस तरीके से आपने मुझे लास्ट टाइम बताए थे, ऑन अकाउंट यस ऑन पेपर। उनका कोई अकाउंट से निकलता है तो बात करेंगे बैठ के, भूल गया होगा मैं, कुछ 1,000-2,000 रुपए देने हैं तो भी मैं दे दूंगा उनको बुला के। तो शबाज ने ये तक ये कहा था कि मैंने उसे काम पे लगाया था, वो पहले ड्राइविंग करते थे, वो ड्राइवर था आदिल, पहले ड्राइवर था, उसे मैंने काम पे लगाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके पास आइडिया आया ऑटोमोबाइल खोलने का, मैंने इन्वेस्ट किया उसके बिजनेस में, मैंने हेल्प की, और फिर उसके बाद वो ये फ्रॉड करने लग गया। जवाब दिया है मैंने, डेकन हेरल का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है, मैं समझता हूँ ये वाली चीज़ का, लाइक कि आप वो जो अभी क्लेम कर रहे हैं, आप पहले ड्राइविंग करते थे उनके लिए, अगर मैं उनके लिए ड्राइविंग करता था तो राखी के मैटर में मेरे साथ नहीं क्यों खड़े, राखी के साथ जाके खड़ गए पब्लिसिटी के लिए, पब्लिसिटी इतना है ना, तो कुछ अपने आप पे लगा के लो पब्लिसिटी, नहीं तो तुम भी एक काम करो, तुम भी जेल जाके आओ राखी के चक्कर में, उसके बाद पब्लिसिटी लो आके, 6 महीने काट के आओ राखी के चक्कर में, एक दो बार घूमो, नए नए केसेस करवा देगी वो, नो नॉट अ प्रॉब्लम, उसके बाद पब्लिसिटी लेना बैठ के, न्याय के लिए तुम आके खड़े रहो। अच्छा, राखी से बात करने के बाद सबसे पहला जवाब ये था राखी का कि आदिल मैसूर जेल से भाग के आए यहाँ पे, 2 फोन जेल से भाग के, कौन जेल से मतलब लाइक निकल के वहाँ से, पुलिस उनके पीछे पड़ी है क्योंकि 2 फोन जो आदिल के पास है जो अभी यूज़ कर रहे हैं ये वही 2 फोन है जिससे आदिल न्यूड वीडियो शूट किया करते थे और उसी के अंदर सब सबूत है, तो वो चीज़ के लिए मैसूर पुलिस आदिल को ढूंढ रही है। और सबसे पहले उनकी स्टोरी प्रॉपरली आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज मेरे पास इतना पेशेंस भी नहीं है कि राखी के कहानियाँ सुनने के पास, मेरे पास एक्चुअली वक्त नहीं है राखी की कहानियाँ सुनने के लिए, क्योंकि राखी जैसा वेला तो मैं हूँ नहीं, नंबर वन बेकार इंसान तो मैं हूँ नहीं राखी की तरह कि मैं उनके पूरा अभी वापस सुनूँ बैठ के। मोबाइल की बात, कट शॉट में बात करते हैं, जब मोबाइल की आप बात कर रहे हो, दोनों मोबाइल मेरे पास हैं, एविडेंटली प्रॉपरली मेरे पास हैं। ये वही फ़ोन है जो 2 फोन? नहीं, ये मेरे दोनों फ़ोन जब मुझे अरेस्ट किए थे, मेरी मुंबई की चार्जशीट में भी लिखा गया है कि राखी सावंत के घर में ही है, और मैसूर की चार्जशीट में भी लिखा गया है, और राखी के साथ ही पास ही मेरे मोबाइल हैं। अभी देखो जितना मैं देखता हूँ इतना ही बोलता हूँ, हैंग करके मैं उम्मीद करता हूँ, अगर उसकी सोच देखूँ तो शायद दोनों बेच के खा भी गई होगी वो, बिकॉज वो तो 1,000-2,000 रुपये के लिए भी नीच पे आ जाएगी, तो वो तो 1.5-2 लाख के फ़ोन है, 1.5-2 लाख नहीं, 1 TB के 14 Pro थे एविडेंटली, डालो 1.5 लाख भी 3 लाख रुपये हो गए, 3 लाख के चीज़ें थे उसके पास, मेरा वॉच था मेरे पास, तो ये होता ही नहीं कि रखी होगी चीज़ों को। हाँ, ये 2 भी मेरे नए फ़ोन हैं, मेरे पास कोई न्यूड वीडियो कुछ भी नहीं है, एनी टाइम मैं पूरी मीडिया के सामने दिखा रहा हूँ, एक मेरा 14 Pro है, एक मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कभी भी देख सकते हो कि मेरे पास कुछ है ना, मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ कि मैं बैठ के न्यूड वीडियोस करूँ बनाऊँ, और हालांकि वो तो मेरी बीवी थी, मैं इतना नीच काम कर ही नहीं सकता जो राखी करती है नीच काम जेल में भिजवाने के हस्बैंड्स बना के। काफ़ी फैमिली के बारे में बुरा बोला गया आपके कि लाइक आपकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसलिए आप ऐसे लाइक जो भी उन्होंने आज एलिगेशन लगाया आपके ऊपर कि फ्रॉड है, स्कैमर है, तो जो बोल रही है वही सही होगा ना, राखी की परवरिश तो बहुत अच्छी हुई है, राखी तो बहुत
पैलेस महाराजा राजा महाराजा की फैमिली बैकग्राउंड से आती है, वो तो पैदाइशी पैसे वाली है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, उनकी तो लाइफस्टाइल आप देखे होंगे ना, बहुत खूबसूरत लाइफस्टाइल है राखी की, तो इसके बारे में मुझे ये टॉपिक में बात भी नहीं करना, इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं। ओके सो एक और बात आई थी कि शर्लिन और आपके बीच में हाल ही में ऐसा हो गया कि शर्लिन ने आप लोग को बिट्रे किया, लाइक बिट्रे वर्ड इज़ नॉट सुटेबल फॉर दिस थिंग, आप लोग को छोड़ के वो राखी के साइड चले गई है। टू बी सिंपल मैं बताता हूँ, ऐसे इस तरीके से वो नज़र आई है, 2 घंटे पहले आप लोग के साथ दरगाह में वो नज़र आई थी, फिर अचानक 2 घंटे बाद वो राखी के साथ जो बर्थडे पार्टी इवेंट था उसमें। नो कमेंट्स, शर्लिन मेरी बहन है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, वो आगे से आई थी, मेरी बहन बनी है। पर शर्लिन ने ये कहा था कि मैं इस वजह से आई हूँ, मैं वजह बता रहा हूँ आपको कि क्यों मैंने आदिल को छोड़ा, कि आदिल के फ़ोन में राखी की न्यूड वीडियो थी, तो मैंने वो देखा और मैंने आदिल को तभी के तभी भी बोला। आई होप आई हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन, दोनों फोन इधर हैं, प्लीज़ आप चेक कर सकते हो, कोई भी जवाब दे दिया मैंने, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है, मेरी बहन है, मैं उसको इज्जत देता हूँ, वो भले दे या ना दे नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं इनकी इज्जत देता हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज राखी की मोल है मेरे पास, राखी जो है, जो राखी के नाम से राखी रखे, राखी का भी नाम है, उसको तो उसका चीज़ों का वैल्यू नहीं है, किसी को भी बॉयफ्रेंड बना देती है, किसी को भी मुझे और राष्ट्र के साथ जोड़ देती है, तो उनको वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोल नहीं रखता, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ उस चीज़ की, वो मेरी बहन है। अच्छा, राष्ट्रीय और आपके बारे में भी आज हमने सवाल किए कि लाइक जिस तरीके से ये सवाल आप ना ही करें तो अच्छा, बिकॉज राखी का थोड़ा वैल्यू रखो ना, मेरी बहन है, वैल्यू रख रहे हैं हम, वो चीज़ नहीं पूछ रहे कि आज राखी ने ये बताया कि शर्लिन ने उसे ये कहा है कि रोज रात को राष्ट्रीय ड्रिंक करके लाइक फुल टल्ली होके शर्लिन को फ़ोन किया करती थी कि आदिल खाया आदिल खाया। जहाँ तक मैं जानता हूँ राजश्री को मैंने कभी पीते हुए अभी तक नहीं देखा है, हाल ही का मुझे पता नहीं, जितना अब मैं उनके साथ जानता हूँ। राखी काफ़ी बोल रही थी बेवड़ी है बेवड़ी है, ये शब्द का ये आपको बहुत अच्छा जवाब दे सकेंगी राजश्री, अगर राजश्री को ज़रूरत है, उनको लगता है मुझे आके बात करना, मैं एज ए ब्रदर मैं आके बहुत अच्छा बात भी करूँगा उस टाइम। तो और क्या कहना चाहूँ, मुझे नहीं लगता राजश्री कोई बेवड़ी है या कुछ भी ऐसे, वैसे बिल्कुल नहीं है, सो और भी सीधी सादी है, अच्छी बिजनेस वूमेन है, इंसानियत का बिजनेस कर रही हैं वो, कोई भी वो गलत काम नहीं करती हैं, मुझे बिल्कुल पता है, वो भी राखी की विक्टिम है, राखी ने उनके साथ बहुत गलत किया है, बहुत पैसे लिए हैं, बहुत इस्तेमाल किया है राष्ट्रीय का। राखी का सबसे बड़ा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा था कि चलो मेरे मुद्दे के बारे में तो पूछते हैं आप, शादी के मुद्दा क्यों नहीं पूछा आप, कि रितेश की और तुम्हारी शादी हुई थी उसके बारे में, ये सब सवाल क्यों नहीं पूछते आप, राखी के नए नए एलिगेशन लेके ये पूछ नहीं, आप मुझे एक बात बोलो, आप मुझे आके पूछते हो राखी के नए नए एलिगेशन, पुराने एलिगेशन तो पूछ के हो ना। देखो, एक तो टाइम बर्बाद मत करो मीडिया वाले, अगर टाइम जब कवर करना ही है आपको प्रॉपरली, पहले जाके ये तो पूछो राखी को, राखी जी नए एलिगेशन छोड़िए तो पुराने वन बाय वन क्लोज करते हैं, ये बताइए कि आपकी और रितेश की क्या शादी हुई थी, अगर वो बोलती है मैंने कहा नहीं, तो चलो उसमें एक टॉपिक मैं देता हूँ, पहले वो पूछ के आइए। फॉर एन एग्जांपल, जैसे राखी आके अभी बोली थी हाल ही में इंटरव्यू में दिखा के कि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं, और ये बात को रितेश ने भी कहा था कि वीडियो शूट एक कोई जी 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 प्रोफेशनल के लिए हुआ था, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ये मैं बात सही कह रहा हूँ, और क्या कहा था उन्होंने, ये बस एक वीडियो क्या एड शूट के लिए वीडियो हुआ था, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, जिसका जवाब आपने वो भी दिया था, क्या कहते हैं उसे, डॉक्यूमेंटेशन में भी दिया था, रितेश और राखी का जो मैरिज सर्टिफिकेट था उसके थ्रू भी दिया था, तो क्या अभी आपके पास और एक और सबूत है? डेफिनेटली है ब्रदर, वीडियो वो इंटरव्यू से पहले 2 घंटे पहले राखी जिम में थी और रितेश की उनकी बात सुनी थी। ओके डन, बट कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई है, कभी भी बोलना नहीं है हम लोग दोस्त है, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, बस जो हुआ था वो बिग बॉस के लिए हुआ था, फिर तुमको भी प्रॉब्लम आएगा तुम्हारी वाइफ के लिए अगर तुम ये सब लफड़े करोगे बोलोगे तो, क्योंकि मुझे सबने बोला था, तो मैंने बोला था भाई हमारा तो कुछ नहीं हुआ था, हमारा सिर्फ बिग बॉस के लिए जाना था, वो मेरा बिगो में टॉप 1 था, उसने मुझे सेंडिंग किया था, इसीलिए मैंने बिग बॉस में जाने उसको हस्बैंड बना के लेकर गई थी, लेकिन उनका भांडा फूट गया, उनकी बीवी बच्चा बाहर आ गया, तो बिग बॉस ने उनको निकाल दिया, तुमको यही बोलना है हर जगह, ठीक है,
इफ यू आर रेडी फॉर दिस देन आई कैन डू इट। इस सवाल का जवाब लेके आइए पहले राखी से मुझे, जरूर कि ये क्या है राखी। नहीं नहीं जवाब मत पूछना, जवाब बोलेगी तो और नए नए चार एलिगेशन लगेंगे। पहले ये पूछो सवाल कि तुमको अधिकार क्या है लोगों को बेवकूफ बनाने का, मीडिया को बेवकूफ बनाने का और मीडिया को दौड़ाने का, ये पहले ये सवाल पूछा। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यश? उनको अधिकार है आपको बेवकूफ बनाने का? नहीं वो तो है, लाइक अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि दो साइड की बातें कवर तो करनी है। दो साइड की बातें कवर करने से पहले ना उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टॉप करके ये तो पहले सवाल को चल। राखी जी चार सवाल हम आपसे पूछते हैं, पहले पीछे से सामने आते हैं, पहले वो तो बोलो। आप नए नए इतने एलिगेशन लगा देती है कि पीछे का लोग भूल जाए, भूल नहीं रहे हैं हम, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लीज डेढ़ घंटा नहीं, उनके तीन चार घंटे करो, बिकॉज उनके पास वक्त है। अगर आपके पास भी है तो आप तीन चार घंटे कीजिए। पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पहले हाल ही से स्टार्ट कीजिए राखी जी, रितेश से स्टार्ट कीजिए, फिर यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए, फिर नए 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 जो आदिल के विक्टिम हैं उनको भी हम बिठा के न्याय दिलाएंगे। अच्छा राखी ने आज एक और प्रूफ किया है कि प्रूफ लाइक डॉक्यूमेंटेशन शो कर रही थी आज वो कि आप श्योर नो, आप श्योर ऑफ प्रूफ, आप श्योर ऑफ प्रूफ? वो लाइक उन्होंने ऐसे दिखाया था हमें मीडिया के आगे कि पेपर जो है जो आपके पास क्या उसका फोटो है, जैसे जैसे मैं दिखाता हूँ मीडिया में राखी की शादी ऐसा कुछ है आपको? ऐसे ही वो नहीं, वो एक्चुअली आज ऐसे ही वो पेपर लेके कर रही थी जिसमें आपकी फोटो और आपकी मैरिज सर्टिफिकेट। मेरी लीगल टीम इंशाल्लाह नेक्स्ट 24 आवर्स में इसका जवाब देगी। हाँ आपको एक जवाब दे दो, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। रजिस्टर मैरिज जब एक होती है तो दोबारा शादी नहीं हो सकती है। मेरी एक ही शादी हुई है वो राखी सावंत के साथ है, और जो तीन दिखा रही है ना उसकी रिपोर्ट प्रॉपरली 24 आवर्स में मैं दूंगा। अच्छा राखी, राखी के लिए क्या कहना चाहोगे? जो अभी राखी स्टेप जो भी अभी राखी कर रही है उसका क्या एक्शन लेना चाहोगे? ये दूसरे जो नए नए कैरेक्टर्स हैं ना जो मुझे बैठा के बोल रहे हैं कि हम बैठ के बात करेंगे वो करेंगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो मर्जी, अभी मेरी न्याय की लड़ाई है। हाँ लेकिन मैं राखी से एक बात कहना चाहूँगा, इसको ख़त्म करो प्लीज़ और कोर्ट में लड़ो। अगर तुम्हारे में इतनी ही हिम्मत है ना, मीडिया का एक ही बार टाइम बर्बाद करते हैं और दिखा देते हैं। काम करो, आई ओपनली इन्वाइट राखी सावंत पूरी मीडिया पूरी दुनिया के सामने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ मैं बुलाऊँगा, मैं एक ऑडिटोरियम अरेंज करूँगा, पूरी हिंदुस्तान की मीडिया को मैं बुलाऊँगा, बट लाइव रहना चाहिए, सिर्फ मैं और राखी, नो लीगल टीम, कोई नहीं। फर्स्ट एक या डेढ़ घंटा राखी को दो, जो जो एलिगेशन है जो जो बड़ा से मेरे पे निकालने दो, उसके बाद मेरे सीधे साधे पांच सवाल रहेंगे राखी से। कितने? पांच सवाल विथ प्रूफ, जो प्रूफ मैंने दिखाई नहीं है वो मेरे पास कुछ और है। पांच पांच चीज़ें मैं दिखाना चाहूँगा राखी को, अगर उसका वो जवाब भी दे देना बात ख़त्म, मीडिया ट्रायल ख़त्म कर देंगे। मैं इन्वाइट करता हूँ राखी को to sit down in front of everybody and have a discussion with me. Document लो ना उधर से। तो आदिल एक और बात, सबसे बड़ा मुद्दा आज का राखी का यही था कि आप उनके न्यूड वीडियो बनाया करते थे और उसे सेल करिया करते थे। आपके मीडिया के ग्रुप में तो राखी ने शेयर किया था ना, डिलीट भी राखी ने किया था ना। जब राखी के पास है तभी तो राखी शेयर करती है, नंबर वन। नंबर टू, मेरे पास अगर न्यूड वीडियोज हैं तो मेरे पास न्यूड वीडियो शेयर कहाँ हुए? क्या मेरे से कभी भी न्यूड वीडियो शेयर हुआ है? अच्छा आदिल न्यूड वीडियोस बनाता है रीज़न के लिए ना, राखी जो कह रही है कहीं शेयर हुए हैं? नहीं शेयर तो नहीं हुए, लेकिन क्या ये वही है जो शर्लिन बता रही थी जो वीडियो देख वो उसने आपके फ़ोन में देखा? क्योंकि कनेक्शन शर्लिन के टॉपिक में ही बात मत करो ना, राखी से बात करेंगे ना डायरेक्ट। वी विल टॉक टू राखी, वी विल नॉट गो टू शर्लिन, शी इज़ माई सिस्टर एज आई टोल्ड यू। इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिस्टर लड़ रही है तो मैं भी उससे लड़ूँ ना, मैं तो उसको बहन मानता हूँ, शी इज़ माई सिस्टर। अच्छा काफी टॉक अबाउट राखी नाउ, ओके विल स्टिक टू न्यूड वीडियोज एंड राखी। राखी मेरे न्यूड वीडियो शूट करती है, वो उनका बहुत पुराना पेशा है। पूरे जाके आप वेबसाइट्स में थोड़ा चेक कीजिए, आपको मैं कभी कभी बोलता हूँ आप चेक क्यों नहीं करते हैं? 2018-17 से उनके वीडियोज हैं, तो आपको ये पूछना चाहिए ना नेक्स्ट टाइम सवाल। मैं तो इतना अच्छा अभी लगता है जर्नलिस्ट हो गया हूँ, नेक्स्ट मुझे सवाल में खड़ा देंगे तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सवाल करके। आप पूछे ना राखी जी आपके ऐसे ऐसे साइट्स में 2017 से वो किसने शूट किया था, कहीं वो आदिल ही नहीं शूट किए थे? ये सवाल उनको पूछो आप। okay. और ये नेक्स्ट पूछ क्या हो आप, मेरा वीडियो दोबारा मैं कह रहा हूँ राखी सावंत ने ही शूट किया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, जब मैं मैसूर में था ये थी मुंबई में। शूट करने के बाद इन्होंने क्या किया है ये आप देख सकते हो, एक मीडिया का एक ग्रुप बनाया, ग्रुप नहीं ये मीडिया नहीं, एक ग्रुप बनाया इंस्टाग्राम में, ग्रुप पेज, 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 पेज पे इसको डाला है। okay. उसके बाद उसी वीडियोस को राखी सावंत ने
राखी सावंत 2511 उनके ऑफिशियल पेज पे शेयर किया है, इसका जवाब भी दूंगा बहुत जल्द। अच्छा, ये स्टोरी उन्होंने शेयर की है। तो न्यूड वीडियोस अगर मैं शूट करूंगा तो राखी सावंत क्यों शेयर कर रही है? क्या वो प्रमोट करना चाह रही है वीडियोस को? राखी का एक पेशा है, पूरी रिपोर्ट के लिए डाले हैं, आईपी एड्रेस, कब अपलोड हुआ, किसके अपलोड किया, किस टाइम में राखी ने शेयर किया, कब राखी ने डिलीट किया, एवरीथिंग। मुंबई पुलिस ने 2 दिन का टाइम लिया है FIR करने के लिए। अगर 2 दिन में नहीं करते हैं तो आई विल गो टू माई होम टाउन, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू द मैसूर पुलिस कमिश्नर, मैं उनके पास बैठ के उनके पास FIR करा के आऊँगा, बिकॉज IT एक्ट के तहत ये बहुत बड़ा क्राइम है। ऑलरेडी ये क्राइम करती ही रहती है, ऑलरेडी इन्होंने मेरी बहन शर्लिन के साथ भी सेम क्राइम में, सेम पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर कंप्लेंट चल रही है, ये सेम क्राइम राखी ने दोबारा किया है। अच्छा, राखी का मानना ये है कि जो आप ये दिखा रहे हो, ये जो वीडियो था वो 4 साल पहले शूट हुआ गया आपकी तरफ से, तो राखी क्यों शेयर कर रही है, वो पागल है? ये शेयर का तो आई डोंट नो, बट ये नो, यू हैव टू नो व्हाई राखी शेयरिंग अकॉर्डिंग टू यू, एक क्लेम जवाब तो दो ना। ये तो शेयर कल हुआ है, तो कल हुआ है शेयर? हाँ, शेयर हुआ है कल, वायरल हो रहा है, लेकिन लाइक टू डिफेम यू, अगर वो आपको डिफेम करना चाह रही है, व्हाई नॉट? मेरी बात जब मैं कह रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग राखी ने किया है, जब राखी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, राखी शेयर कर रही है, राखी इंपॉर्टेंट अपडेट करके ग्रुप बना के उसमें डाल रही है, तो राखी के काम है। अच्छा, इसको भी भूल जो 2 मिनट के लिए, तो 2017 से वो कर रही है राखी, शर्लिन के साथ उसने किया है, मेरे साथ किया है, क्या सब कुछ इत्तेफाक हो सकता है? 10 चीज़ों में इत्तेफाक हो सकता है। चलो, ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर रितेश पे भी एक इंजाम में बोला था उन्होंने कि रितेश मेरे अश्लील वीडियोस बना के अपलोड कर देगा इंस्टाग्राम में, प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम दिला दो, क्या आपको याद है? या वीडियो आपको दिखाऊं मैं एक बार? नहीं है, याद है। तो रितेश पे भी सेम इल्ज़ाम क्यों लगे हैं? क्यों ये घिसी पिटी सेम स्टोरी राखी की चलते रहती है सब पे? ओके, सो मानना आपका कहना ये है कि ये जो मानना कहना नहीं, प्रॉपर लीगल जवाब भी दूंगा, लीगली पुलिस भी कहेगी कि इस काम को किसने किया है प्रोफेशनल वे में, मानना कहना तो अलग चीज़ है। श्री सर्कुलेट अभी राखी कर रही है 100%। आपने नहीं देखा उन्होंने शेयर किया था, कितने मिलियन फॉलोअर्स है राखी के? 10 मिलियन, नहीं 10.4। मैं भूलता नहीं चीज़ों को, मुझे याद है 10.4 मिलियन में जब वो शेयर कर रही है, वो बेवकूफ़ है, उनको इतनी अक्ल नहीं है। क्या बोलती है वो कल परसों में, हाल ही में क्या बोल रही थी? आदिल मेरा हस्बैंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आदिल ने धोखा दिया, हस्बैंड की वीडियो जैसा कोई शेयर करता है, आप मुझे बोलिए ये उनका प्यार है, उस धोखेबाज का क्या ये प्यार है? आप मुझे जवाब दीजिए। पर वो तो कह रही थी आदिल एक बार जेल गए मैं तो माफ़ करने के लिए रेडी थी। ये माफ़ी होती है क्या? ये तो अभी उनका लाइक ये किसी का माफ़ी होती है क्या? वो कौन होती है मुझे माफ़ करने वाली? माफ़ मुझे करना चाहिए कि झूठे केस में उसने मुझे अंदर करवाया है, मैंने राखी को कभी अंदर नहीं करवाया। पर राखी कहती है मेरे केस में तो अंदर गए नहीं, ये तो ईरानी लड़की है। चलो मुझे एक बात बोलो, राखी सावंत के बारे में आप कितना जानते हो? मैं आपके एक 2-3 अच्छे अच्छे सवाल करता हूँ। मैं तो बस थोड़ा बहुत जानता हूँ, जितना वो हमें दिखाती है उतना हम जानते हैं। आपको और थोड़ा ज़्यादा ही जानना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है ब्रो? देखो, ये रितेश के साथ भी सेम कंप्लेंट, रितेश धोखेबाज है, पैसे लूटता है, दीपक कलाल पे भी सेम कंप्लेंट। अभी तो एंडी के शो में भी जाके थोड़ा चक्कर, दीपक कलाल का भी एपिसोड है, बहुत दिलचस्प है, जिस तरीके से राखी ने उसको ठगा है ना बेचारे को, मैं तो चाहूँगा उनको कहीं बुला के, मुझे तो मीडिया ट्रायल नहीं चाहिए राखी की तरह, लेकिन मैं उनको कंडोलेंस के लिए फ़ोन करूँगा ज़रूर, मुझे नहीं पता था उनकी इतनी बुरी हालत की है राखी ने। सो ठीक है, बातें तो सवाल बहुत है, बातें भी होती रहेगी क्योंकि वक्त अभी कुछ ज़्यादा हो गया। अब ये मत बोल दो ना सबको ठग के मैंने आदिल को पैसे दे दिए। वो उनका मानना ये है कि 2 करोड़ रुपए आपको दिए अभी भी। कहाँ से? तो दिए तो कैसे, जेब में, गाड़ी में, पॉलिथीन में रख के चले गई, लूट के चले गई, भाग के चले गई, बैंक में दिए कैसे? अच्छा, एक और राखी का एलिगेशन था 2 दिन पहले कि उसको उड़ाने का प्लान था आप लोग का। अब तो जवाब मिला, जवाब तो दिया, उड़ाने वालों के साथ बैठी है और मुझे बोल रहे मैं क्या ही उड़ा सकता हूँ यार, मैं ठीक से मच्छर नहीं मार सकता हूँ मेरी ज़िंदगी में, मैं राखी सावंत से बच नहीं पा रहा हूँ। राखी बोलते हैं कि काफ़ी इनोसेंट जो फेस है आदिल का, उसको देख के वो सिंपैथी गेन करते ऑडियंस की। नहीं 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 नहीं, सॉरी टू से यू यश, मुझे लगता है मैंने बहुत सारे एविडेंस दिखा के आपसे सिंपैथी ली है, अगर ली है सिंपैथी भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो दोबारा आपको पूरे एविडेंस दिखाऊं तो मैं दिखाऊंगा स्टार्टिंग से। ट्रू हो तो आपके साथ लोग स्टैंड हो रहे हैं डेफिनेटली ना ब्रदर, क्योंकि प्रोफेशनल किलर, प्रोफेशनल चीटर, प्रोफेशनल
मैट्रिमोनियल चलाने वाली राखी जो मैट्रिमोनियल दूसरों को नहीं करवाती, यही बार बार शादी कर लेती है, तो हर बार यही करेगी तो लोगों को तो भी पता ही चलेगा ना, लोग इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो राखी सावंत को बैठ के घंटे बेचारे देखते हैं। और मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूँगा उसकी वीडियोज़ देखना बंद करो, क्यों तुम्हारी मेहनत की कमाई के इंटरनेट पे MB वेस्ट कर रहे हो राखी के पीछे, कुछ और देखो, बहुत चीज़ें हैं देखने लायक। तो अभी आपका क्या एक्शन रहेगा राखी के खिलाफ? बहुत एक्शन है राखी के खिलाफ। अभी देखो शादी का कल सवेरे FIR करना है हमें कि आदिल के 3 शादी, वो हमको चाहिए, अभी वो एविडेंस चाहिए। शायद 2-3 मीडिया वाले का भी नाम हम दे रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनको बुला के पूछेंगे, वो एविडेंस ला के तो हमको चाहिए। हम तो अभी देखो कल शाम तक इंस्टाग्राम की रिपोर्ट आने वाली है कि आदिल कल उसकी रिपोर्ट आने वाली है, उसके बारे में मीडिया में बात करेंगे। उसके बाद अभी कल का एक नया कंप्लेंट है मेरी लाइफ का थ्रेट का, जो मैं बोला एक बार ऑलरेडी हुआ है, एक और बार उसको करना है, बिकॉज ये डेंजरस लोग हैं। मैसूर में भी 1-2 हैं, उनके ऊपर उधर कंप्लेंट किया, अभी शाबाज ये सब आ गए, मैं कहाँ घूम सकता हूँ बाहर, अभी कोई टेंशन में कहीं भी घूम, इधर भी बैठ सकता हूँ, आके कोई मुझे कर दे तो मैं भी जिम्मेदार हूँ ना, मेरी ज़िंदगी का मैं ज़िम्मेदार हूँ, मेरे माँ बाप हैं, उनको हरास होगा, मैं एक ही बेटा हूँ उनको, तो उसके लिए पहले वो जाके मिलना है इंस्पेक्टर सर को। उसके बाद न्यूड वीडियोज़ का तो राखी ने पॉन साइड बना दिया है मेरा, उसका जवाब देना है, और हाल ही में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने सबूत के साथ, जवाब के साथ रेडी हो राखी को? सबूत और जवाब देता हूँ मीडिया को, न्याय मिलेगा कोर्ट से और लेके रहूँगा मैं। ओके सो थैंक यू लाइक टॉकिंग टू फिल्म इंडोर, इतनी खास बातें बताने के लिए। सो लास्टली जाते जाते अपने ऑडियंस से कुछ कह दीजिए जो आपको फिल्म इंडोर पे इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सत्य के साथ खड़े रहिए, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे मेरे साथ खड़ने का। नए नए झूठे झूठे आरोप ला के जो जो नए नए राखी के साथ जुड़ के कुछ करना चाह रहे हैं, थोड़ा आप स्टडी कीजिए उनके बारे में भी, और सारे लिंक्स भेज रहा हूँ मैं आपको, प्लीज़ आपके चैनल में करवा दीजिए। हम अपडेट करेंगे आपके जो भी लिंक्स है, जो आप हमसे शेयर करोगे, जितने भी प्रूफ है। ठीक है, ओके थैंक यू।